मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू ऑल? टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट वीडियो ऑफ चैप्टर 5 ऑफ क्लास 8। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? फ्यूल के बारे में, कितने टाइप्स के होते हैं, तीन टाइप के, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। तो अब हम लोगों को क्या पढ़ना था? कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल। तो इसका देखते हैं। तो ऑल कमर्सिबल सब्सटेंसेस कैन नॉट बी यूज्ड एज फ्यूल एंड ऑल फ्यूल्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ऑल एप्लीकेशन। यानी कि सारा जो जल रहा है सब्सटेंस, उसको हम लोग फ्यूल के तौर पे तो नहीं इस्तेमाल कर सकते ना। जैसे आप कपड़ा जलाओगे तो कपड़ा भी तो जल ही जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप उसको फ्यूल के तौर पे, ईंधन के तौर पे इस्तेमाल करोगे। एंड ऑल फ्यूल्स कैन नॉट बी यूज फॉर ऑल एप्लीकेशन, यानी कि सारे एप्लीकेशन के लिए आप फ्यूल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सब अलग अलग एप्लीकेशन यानी यूज़ के लिए आप अलग अलग फ्यूल का इस्तेमाल करते हो। एक्चुअली डिफरेंट फ्यूल प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट, यानी कि अलग अलग तरीके का फ्यूल का जो उसमें से हीट निकलता है, सबका अमाउंट क्या होता है? डिफरेंट होता है। एंड लाइट एनर्जी ऑन बर्निंग, यानी कि लाइट एनर्जी भी अलग होता है। जब उसको जलाओगे तो जो लाइट प्रोड्यूस हो रहा है सबका अलग अलग होगा, ठीक है। बिसाइड द एनर्जी प्रोड्यूस, द चॉइस ऑफ ए फ्यूल ऑफ ए पार्टिकुलर यूज डिपेंड ऑन इट्स एबिलिटी, इफिशेंसी, कॉस्ट एंड द अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन कॉज बाई इट। यानी कि एक तो अभी आपने ये पढ़ा कि फ्यूल का अपना अलग अलग एनर्जी प्रोड्यूस, हीट क्या है? हीट इज अ एनर्जी। वही यहाँ लिख रहा है कि एनर्जी के अलावा, और लाइट क्या? लाइट भी एनर्जी है ना, मतलब दोनों की बात कर रही है कि एनर्जी बना प्रोड्यूस करने के अलावा, ये चॉइस ऑफ फ्यूल जो हम लोग चूज़ करते हैं कि कहाँ कौन सा फ्यूल इस्तेमाल करना चाहिए, किसके ऊपर डिपेंड करता है? एनर्जी के अलावा अवेलेबिलिटी, यानी कि ये अवेलेबल है या नहीं आपके आसपास में, इफ़िशेंसी, ये कितना अच्छे तरीके से काम करेगा, कॉस्ट यानी कि कितना खर्च आपको लगेगा, और इससे कितना पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज बाई ए यूनिट क्वान्टिटी ऑफ ए फ्यूल और कम्प्लीट कम्बर्शन इन ऑक्सीजन इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। यानी कि ये बोल रहा है कि जितना आपने, मतलब ए यूनिट क्वान्टिटी, मतलब आपने एक ग्राम लिया, ठीक है, तो एक यूनिट क्वान्टिटी हो गया, वो क्वान्टिटी यानी मात्रा, ठीक है, या एक केजी लिया आपने, तो उसको जलाने पे पूरी तरीके से आप उसको जला लोगे, ठीक है। फ्यूल का आपने एक ग्राम या एक केजी लिया, तो उसके बाद आप उसको पूरा जला दोगे, तो उसमें से जितना हीट एनर्जी रिलीज हुआ, तो उसका वैल्यू जो होगा, मान लिया जाए जितना भी होगा, 2-4 इसको किलो जूल में मापा जाता है, कैलोरी में मापा जाता है इस हीट एनर्जी को, तो उसका जो भी वैल्यू आएगा वो क्या होगा? कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। तो यहाँ आगे भी है, द कैलोरीफिक वैल्यू इज एक्सप्रेस्ड इन किलो जूल पर किलोग्राम, ठीक है, यानी एक किलो जो, या फिर एक लीटर, जो भी आप बोलो, अगर कोई भी फ्यूल जला रहे हो तो उसमें से जितना भी हीट एनर्जी निकलेगा आप उसको किलो जूल में मापिएगा, ठीक है। किलोग्राम है ना, अगर आप ग्राम लेते तो जूल होता, किलोग्राम लिए हैं तो किलो जूल, ओके। किलो कैलोरी, किलोग्राम, ठीक है, या फिर कैलोरी में मापते हो आप, कैलोरी, जो हम लोग खाने में भी टर्म इस्तेमाल करते हैं, कैलोरी, ठीक है। तो ये हो गया, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सम ऑफ द फ्यूल्स हैज़ बीन गिवन इन द टेबल, नीचे टेबल में दिया हुआ है। हायर द कैलोरीफिक वैल्यू, अब यहाँ सुनो कि जैसे कि कैलोरीफिक वैल्यू अगर ज़्यादा है, ठीक है, 105, 102, 100 है, तो ये क्या हुआ? द बेटर इज़ द फ्यूल, फ्यूल उतना अच्छा है। क्यों? क्योंकि उसमें से ज़्यादा एनर्जी मिल रहा है, हम लोग को ज़्यादा हीट मिल रहा है, ठीक है, यही ना है, हीट एनर्जी आपको ज़्यादा मिल रहा है। हाइड्रोजन इज कंसिडर्ड द बेस्ट फ्यूल एज एट द हाइएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, क्योंकि आप सुनो एक बात कि हाइड्रोजन पूरा जल जाता है, ठीक है, इसका कुछ भी नहीं बचता पार्ट, तो इसलिए क्या होगा, पूरा जलेगा अच्छे से, तो पूरे तरीके से इसका क्या होगा, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू भी ज़्यादा होगा तो ये अच्छा फ्यूल कहलाएगा। हाउएवर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू हैंडल इट इन गैस फॉर्म, तो गैस होगा तो आपको तो नज़र आएगा नहीं, तो आप कैसे इसको पंप करोगे, तो ये डिफ़िकल्ट होता है, थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए इसको लिक्विड फॉर्म में लाया जाता है। क्योंकि देखो सारे मैटर्स तो कन्वर्ट हो सकता है ना, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस भी आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है। तो हाइड्रोजन क्या है, गैस है, उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर दीजिए, जैसे कि LPG है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, है ना, तो वैसे ही यहाँ है हाइड्रोजन। तो ये कहाँ यूज़ होता है स्पेस क्राफ्ट में, ये क्वेश्चन आपका बार बार आएगा, GK में भी आएगा कि हाइड्रोजन का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो एक इस्तेमाल कहाँ, स्पेस क्राफ्ट में, ओके। नेक्स्ट इज, डू यू नो LPG इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन गैस, हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोजन और कार्बन, ओके। गैस इज़ यूज एज फ्यूल,
ये तो आपको पता ही, ईंधन के तौर पे इस्तेमाल होता है एलपीजी। इट वाज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड बाय वाल्टर स्नेलिंग इन द ईयर 1910। इट बर्न्स क्लीनली विथ नो सूट। सूट मतलब मैंने बताया था काला धुआं, यानी देखते हो गैस में से काला धुआं निकलता है, किचन में से नहीं निकलता। एंड वेरी फ्यू सल्फर इमेशन, सल्फर यानी SO2 गैस जो कि जहरीला होता है इसमें नहीं निकलता, या अगर निकलेगा ये तो इसका अमाउंट बहुत कम होगा। पोजिंग नो ग्राउंड और वाटर पॉल्यूशन हैजर्ड, यानी कि ना ही इससे ग्राउंड या फिर वाटर पॉल्यूशन नहीं होता। नेक्स्ट है जूल। अभी मैंने बताया था इधर, ये क्या है, यूनिट है, यानी कि एनर्जी को मापा जाता है उसमें। जूल इज द SI यूनिट, यानी स्टैंडर्ड यूनिट है एनर्जी का। इट इज नेम्ड आफ्टर इंग्लिश फिजिसिस्ट जेम्स प्रेस्कॉट जूल, यानी कि साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया, उनका नाम ये था जेम्स प्रेस्कॉट जूल। नेक्स्ट है टेबल है आपका, यानी कि आपको देखना है कि कौन कितना ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ देखो किलो जूल पर किलोग्राम होगा ये, ठीक है, क्योंकि ये ग्राम लिखा ही गलत है, या फिर ऐसे भी ठीक है ग्राम भी चल सकता है। यहाँ देखो बायोगैस 35 to 40, ओके, यानी कि आप अगर 1 ग्राम में अगर आप ये करोगे तो इतना किलो जूल ये प्रोड्यूस होगा। ये क्या है कि किलो जूल। कोक 28-31, कोल 15 to 27। आप देख रहे हो इन सब में देखो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आपको ये नज़र आएगा 141 हाइड्रोजन। क्या है ये, हाइड्रोजन है, ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है क्योंकि ये पूरी तरीके से बर्न हो जाता है। ओके, ये मैं अभी भी कुछ देर पहले मैंने बताया था, सबका देखो बहुत काफ़ी ज़्यादा ही कम है। ओके, यहाँ तक कि मीथेन भी गैस होता है लेकिन फिर भी उतना अच्छे से नहीं जल रहा है ये। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द एनर्जी प्रोड्यूस बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजेबल फॉर्म्स लाइक हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कि आप जानते हो कि एनर्जी ना हम प्रोड्यूस कर सकते हैं ना हम ख़त्म कर सकते हैं। वो क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो वही बोल रहा है कि ये जो एनर्जी बर्निंग, क्योंकि ये क्या है, हम फ्यूल भी एक तरीके का एनर्जी है, इसमें स्टोर्ड एनर्जी होता है। तो ये फ्यूल में जो एनर्जी स्टोर्ड है वो जब आप उसको जलाओगे तो वो रिलीज हो जाता है, बाहर आ जाता है। तो उसको तो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ना, वो किस फॉर्म में, तो आप जलाओगे तो हीट निकलता है तो हीट एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी यानी कि आप जैसे देखो फ्यूल को जलाते, जैसे बाइक में आप जलाते हो तो वो क्या होता है, पेट्रोल डालते हो तो वो चक्का घूमता है, तो वो क्या हो गया, मैकेनिकल एनर्जी, चक्का जो घूमता है उसका। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जैसे पेट्रोल अगर या डीजल आपने डाला जनरेटर में तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एनर्जी है, तो ये किस में बदल गया, यानी कि फ्यूल का जो एनर्जी था वो इलेक्ट्रिसिटी में बदल गया, ETC, और भी चीज़ों में बदल जाएगा। दिस कन्वर्जन इज अचीव बाय सर्टेन डिवाइसेस विच आर शोन इन टेबल। तो ये जो कन्वर्जन हो रहा है यानी जो बदल रहा है, ये कुछ डिवाइस कर सकता है अलोंग विथ एप्रोक्सीमेट इफिशेंसी, ठीक है, इफिशेंसी यानी क्षमता। तो यहाँ देखते हैं एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस, यानी कि ये डिवाइस है जो एनर्जी को दूसरे फॉर्म में बदल देगा। वुड स्टोव यानी लकड़ी का जो स्टोव होता है, ये क्या है, 66% कन्वर्ट कर देता है। ओके, किसमें कन्वर्ट करेगा, ऑब्वियसली बात है वुड स्टोव है, यानी आप जो जला रहे हो लकड़ी का जो चूल्हा है वो क्या होगा, हीट और लाइट बदलेगा। तो टोटल जितना आप जला रहे हो उसका सिर्फ 66% ही कन्वर्ट हो पाएगा। पेट्रोल इंजन यानी कि पेट्रोल का जो इंजन होता है वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। इंजन क्या, आप जनरली गाड़ी चलाने में इस्तेमाल करते हो, तो वो क्या होगा, सिर्फ 25% ही कन्वर्ट कर पाएगा। डीजल 38%। इलेक्ट्रिकल जनरेटिंग प्लांट यानी कोल बेस्ड, यानी कि जहाँ से आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलता है वो क्या चीज़ का इस्तेमाल करता है, ज़्यादातर कोयला का इस्तेमाल करता है ना इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए पावर प्लांट में, तो देखो 40% कर पाता है। या न्यूक्लियर फ्यूल बेस्ड, ये भी क्या करेगा, 40%। सोलर सेल्स, सोलर जो आपके घर पे जनरली लगा होता है वो क्या होता है, सोलर एनर्जी को स्टोर करता है, फिर आप उसको खर्च करते हो एनर्जी यानी इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, कितना, सिर्फ 10%। ओके, तो ये कुछ परसेंटेज था जो आपका कन्वर्ट हो पा रहा था दूसरे फॉर्म में। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड फ्यूल। कैरेक्टरिस्टिक मतलब खूबी या खासियत क्या होता है गुड फ्यूल, अच्छा फ्यूल का, हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग कहेंगे कि ये अच्छा फ्यूल है। इट शुड बी चीप यानी ये सस्ता होना चाहिए, और इजिली अवेलेबल यानी हर जगह आपको मिलना चाहिए। इट शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू यानी कि जलने पे काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट हीट प्रोड्यूस करे।
इट शुड नाइदर बर्न टू फास्ट और नॉट टू स्लो, ये जल्दी से जल्दी नहीं जलना चाहिए, जल्दी जल जाएगा तो तुरंत ख़त्म हो जाएगा ना, और काफ़ी स्लो जलेगा तो हम लोग जो काम करने जा रहे हैं वो काम ही नहीं हो पाएगा। बट ए कॉन्स्टेंट रेट, लगातार, कॉन्स्टेंट मतलब लगातार एक ही समान रेट से वो जलना चाहिए। इन अदर वर्ड्स द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल शुड बी फेयरली लो सो डैट इट कैन बी बर्न ईजली। सुनो, फेयरली लो का मतलब थोड़ा लो होना चाहिए, ऐसे भी नहीं कि एकदम कम टेम्परेचर पे हो कि रूम ही टेम्परेचर पे आग लग जाए, वैसा नहीं होना चाहिए। इग्निशन टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर का थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए ताकि वो जल जाए, आसानी से जल जाए, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि रूम टेम्परेचर पे ही जल जाए, ओके। तो द इग्निशन टेम्परेचर शुड नॉट बी लेस देन द रूम टेम्परेचर, जैसा कि मैंने बोला कि रूम टेम्परेचर से कम नहीं होना चाहिए। अगर कम होगा तो क्या आप ऐसे ही रखे रहोगे तो उसमें तुरंत आग लग जाएगी, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, इससे हम ही लोग का नुकसान है, ठीक है। द फ्यूल ऑन कम्बर्शन शुड नॉट बी प्रोड्यूस सूट, यानी कि आप जब जलाओगे किसी फ्यूल को तो धुआं नहीं प्रोड्यूस होना चाहिए, काला धुआं, ठीक है, या फिर कोई भी हार्मफुल गैस नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आप जलाओगे तो इससे आपको भी खतरा होगा, और एनी अदर रेसिड्यू, यानी कि उसमें कुछ भी नहीं बचना चाहिए अगर आप उसको जला रहे हो तो। जैसे लकड़ी जलाते हो तो उसमें राख बच जाता है, ठीक है, और कोयला बच जाता है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। द फ्यूल शुड बी सेफ टू हैंडल, यानी कि आप एक जगह से दूसरी जगह इसको आसानी से कैरी करके लेके जाओ, स्टोर रखने में आसानी हो, ट्रांसपोर्ट यानी कि एक जगह से वही दूसरी जगह लेके जाने में काफ़ी आसानी होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये क्या है, गुड फ्यूल का कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि अच्छा ईंधन का क्या क्या खासियत होता है, खूबी होता है, वो यहाँ दिया हुआ है, ओके। तो यहीं तक, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बर्निंग ऑफ फ्यूल जनरेट हार्मफुल प्रोडक्ट्स, तो ये होगा नेक्स्ट वीडियो में।